हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज लॉजी गेट के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है अपना, वो चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दो तीन चैप्टर बचेंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम लॉजी गेट्स को पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए करवाऊंगा। आज एक दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज क्या पढ़ेंगे अपन? लॉजी गेट। लॉजी गेट क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जो लॉजी गेट होते हैं, लॉजी गेट एक सिंबल होते हैं, मतलब एक चिन्ह के तरह चिन्ह होते हैं। इनको चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। इनको ऐसे सिंबल द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, बाकी नॉर्मल आपको बोल देता हूँ कि लॉजी गेट एक डिजिटल सर्किट यानी कि अंकीय परिपथ होता है। लॉजिक गेट क्या होता है? एक अंकीय परिपथ होता है और ये अर्धचालकीय डायोड एंड ट्रांजिस्टरों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। जो आपके लॉजिक गेट होते हैं किससे बनाए जाते हैं? अर्धचालक डायोड, अर्धचालकीय डायोड, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टरों के उपयोग करके इनको बनाया जाता है। इनके बारे में आज पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा मैं। कितने तरह के होते हैं मूलभूत लॉजिक गेट, कितने होते हैं यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक लॉजिक गेट, सार्वत्रिक गेट कितने होते हैं, इन सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कौन सा गेट कैसे बनता है, कैसे काम करता है, किसमें क्या आउटपुट रहेगा, किसमें क्या निवेशी रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये परिपथ होते हैं, ये अंकीय परिपथ होते हैं एक तरह के। इन परिपथों में आउटपुट और निवेशी आउटपुट एंड इनपुट वोल्टता के मध्य तार्किक संबंध से होता है, यानी कि लॉजिक संबंध से होता है, ठीक है। लॉजिक संबंध होता है तो अपन लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन आप लिख लेना लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, साथ के साथ आप लिखते चलना या स्क्रीनशॉट लेना, या बाद में क्लास आप जब देखो तब भी आप इसको नोट कर सकते हो, एक बार ऐसे भी देख लेना, ठीक है। आज की क्लास एक क्वेश्चन यहाँ से एक मार्क्स का कंप्लीट करवाएगा आपका। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा, ठीक है। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आप सभी इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना और बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट की अपन बात करते हैं, लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होते हैं? तो लॉजिक गेट एक तरह के डिजिटल सर्किट होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोले तो अंकीय परिपथ। आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए आपको ये एक ही चैनल मिलेगा जहां आपको फुल तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल। इसके अलावा आपको इतने अच्छे तरीके से या इतने साथ। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। शानदार तरीके से आपको तैयारी कहीं नहीं करवाई जाएगी, आप चाहे किसी कोचिंग पे चले जाओ, किसी भी इस पे जा सकते हो आप, बट हर जगह आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल रहा है, इस वजह से आप सभी देखते नहीं हो, क्योंकि फ्री की चीज़ कोई लेना नहीं पसंद नहीं करता, इसलिए आई थिंक आप सब देखना पसंद नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ, आप अगर आपको पूरा लेना है, अगर आपको ओनली घी लेना है यानी कि मक्खन लेना है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। अगर आपको दही वगैरह लेना है, दही दूध सब कुछ पहले लेना है, तो आप सभी कहीं और जाके पढ़ सकते हो। लेकिन आपको प्योर जो एग्जाम लाइक चीज़ें, जो एग्जाम में आने के बातें हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से वो पढ़ना है, तो आप यहाँ आइए, अपने सभी फ्रेंड्सों को भी बुलाइए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। देख लेना 100% 30+ स्कोर आप फिजिक्स में। मेरी क्लास जो ये 3 बजे होती थी, लेकिन आज किसी रीजन वश एरर की वजह से ये 5 बजे हो रही है, लेकिन 30+ स्कोर आप यहाँ से करोगे ईजिली तरीके से, बहुत ईजी तरीके से यहाँ से 30+ स्कोर आप कर सकते हो। 7 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, वो आपके लिए 25+ स्कोर के लिए वो क्लास चल रही है। 25 टारगेट आपका होना चाहिए, वहाँ से आपका 25 आराम से कर लोगे। लेकिन यहाँ 30 से 33 भी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग कर लोगे 33 से 33 भी राइट कर लोगे, लेकिन 30 तो आप रेगुलर क्लास लोगे। और जो भी क्लासे होती है, आप बोल रहे हो MCQ कब आएंगे, तो भाई यो MCQ आने वाले हैं, जैसे आपके 2-3 चैप्टर 2-3 यूनिट से जो जल्दी में खत्म करवाने के बाद आपके लिए MCQ लाऊंगा, तो MCQ आएंगे। फिर MCQ करना देखता हूँ आपका कितना पढ़ा है आपने, वो टेस्ट टाइप MCQ होंगे, आप कितना राइट करते हो कितना गलत करते हो सब आपका पता लग ही जाएगा जब MCQ क्लासेज आपके लिए आएगी,
ठीक है। रेगुलर कल भी टेक्निकल एरर की वजह से आपको पता ही है, आपको ओनली रिकॉर्डेड क्लास ही मिल पाई थी, प्राइमरी क्लास नहीं हो पाई थी। वैसे लाइव क्लास होती भी नहीं है, ओनली प्राइमरी क्लास रहती है, पहले रिकॉर्ड रहता है, लेकिन जैसे आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको पब्लिश कर दिया, मतलब प्राइमर कर दिया जाता है, तो वो एक तरह से लाइव का ही पार्ट है, तो लाइव तरह हो जाता है आपको, ठीक है। तो आज अपन लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। लॉजिक गेट क्या होता है? डिजिटल सर्किट होता है, आपने लिख लिया होगा, इसे अंकीय प्रतिपथ हिंदी में बोलते हैं। लॉजिक गेट किससे बनाए जाते हैं? जो लॉजिक गेट होते हैं, लॉजिक गेट किसे बनाया जाता है? अर्धचालकीय डायोड एंड ट्रांजिस्टरों का उपयोग से बनाए जाते हैं। जो लॉजिक गेट होते हैं वो अर्धचालकीय डायोड एंड ट्रांजिस्टर का उपयोग से बनाए जाते हैं, तथा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट को, ये चीज़ें आप नोट कर लेना, लिखते चलना आप सभी लॉजिक गेट के बारे में, इन्हें सिंबल यानी कि चिन्ह से प्रदर्शित, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट को सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? अर्धचालकीय डायोड एंड ट्रांजिस्टरों का उपयोग से बनाए जाते हैं, तो लॉजिक गेट सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये बातें आप सबने नोट कर ली होगी। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ने को मिलेगी अपन को, बूलिय व्यंजक जिसे बूले एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। बूले बीजगणित की खोज किसने की थी? यहाँ आपको बूले बीजगणित से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा, उसके बारे में बताता हूँ। ये चीज़ आपने नोट कर ली तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना, इम्पोर्टेंट में लिख लेना ये चीज़, कि आपसे वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जा सकता है, कि बूलिय बीजगणित की खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी जॉर्ज बूल ने। किसने की थी? जॉर्ज बूल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो किसने की थी? जॉर्ज बूल ने किसकी खोज की थी? बूले बीजगणित की खोज की थी। तो ये आप सभी को पता हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मूलभूत लॉजिक गेट कितने होते हैं, और जो आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट है वो कितने होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट किससे मिलकर बने होते हैं, इनके बारे में भी आप बात कर लेंगे, फिर अपन आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूलभूत लॉजिक गेट कितने होते हैं। तो मूलभूत लॉजिक गेट तीन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तीन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था तीन होते हैं, बताए लिख लेते हैं आप सभी। ओर गेट सेकंड आपका, सेकंड कौन सा होगा? एंड गेट थर्ड है आपका कौन सा? नॉट गेट कौन सा होगा? नॉट गेट। तो ये तीन गेट है जो मूलभूत गेट होते हैं। इसके अलावा दो गेट होते हैं जो कौन से गेट होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट कौन से, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो फिर आगे बाद में इनके फॉर्मूला, जो बूलिय व्यंजक क्या होता है, इनकी सत्यता सारणी क्या होती है, जो आपके लॉजिक गेट होते हैं, लॉजिक गेट से जो आउटपुट, जो संक्रियता होती है उसको सत्यता सारणी द्वारा बताते हैं कि इनमें क्या इनपुट हुआ था और क्या आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, इनके उसको किसके बारे में पता चलता है हमें, सत्यता सारणी होती है, जो अपन को अब आगे जो टेबल अपने बुक्स में, उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? एक मिनट, यूनिवर्सल गेट दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं यूनिवर्सल गेट? तो आपको बता दूं, एक तो आएगा आपका नेंड जो किससे मिलकर बना होता है, नेंड गेट आता है, जो नेंड किससे मिलकर बना होता है, तो आप सभी को पता होगा नेंड मिलकर बना होता है तो आपका नेंड किससे मिलकर बना होता है नॉट प्लस एंड, दोनों से मिलकर क्या बना होता है? नेंड गेट बना होता है। तो इसका आपको सिंबल भी आपको बता देंगे, सिंबल लिख लो आप सभी, आगे और बता देंगे वैसे तो, लेकिन नेंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है, देख सकते हो आप, ए बी और यहाँ पे वाई,
ये आउटपुट हो गया आउटपुट, ये कौन सा आपका नैंड गेट का है और ये इनपुट था, ठीक है इनपुट। तो ये इनपुट नैंड गेट इस प्रकार दिखता है और इस प्रकार का होता है, इसमें नॉट और एंड से मिलकर ये बना होता है। इसके सत्यता सारणी और इसका जो बूलियन व्यंजक है उसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो आगे इसकी टेबल आ रही है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अगला आता है दूसरा कौन सा, तो दूसरा पार्ट कौन सा है, नोर है। दूसरा जो यूनिवर्सल गेट है वो कौन सा है, नोर। तो सेकेंड होता है आपका नोर। नोर किससे मिलकर बनेगा, नाम से पता लग रहा है, नॉट प्लस और, ठीक है इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। इसका सिंबल किस प्रकार का होता है, तो इसका सिंबल इस प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा यहाँ सही नहीं बन पा रहा, ठीक है इस प्रकार का ये बनेगा और इस पर आगे ये लग जाएगा। ये डॉट क्या किसको प्रदर्शित करता है, नोट को प्रदर्शित करता है। जो गोला है किसको प्रदर्शित करता है, नोट को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ए भी ये और, ये और का सिंबल, ये किसका नोट का सिंबल, बाकी सारे सिंबल वगैरह मैं आगे आपको दिखा दूंगा। ये वाई यानी कि आउटपुट के रूप में इस प्रकार, तो ये किसका है, नोर का सिंबल है। तो आपसे सिंबल भी पूछ सकता है कि कौन से गेट का सिंबल आपके सामने है, तो सिंबल आपको पहचानने होते हैं, इसके ऊपर भी आपको समझ में आ गया होगा। नैंड और नोर गेट को सार्वत्रिक क्यों कहा जाता है, आप क्वेश्चन बनता है कि जो नैंड नैंड एंड जो नोर गेट हैं, नोर गेट सार्वत्रिक सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं, नैंड को गेट को सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं, क्योंकि क्यों कहा जाता है, अब क्वेश्चन ये बनेगा क्यों कहा जाता है सार्वत्रिक गेट, तो इनका यूज क्योंकि इनका यूज करके अन्य लॉजिक गेट बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनका यूज करके अन्य लॉजिक गेट बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना कि नैंड एंड नोर गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका यूज करके अन्य लॉजिक गेट भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी लॉजिक गेट की जो बेसिक डिटेल्स थी वो हो गई, अब बस टेबल याद कर लेना, उसके बाद फॉर्मूला याद बताया कि मैं आपको इस क्लास को ख़त्म कर दूंगा, बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप चलिए टेबल की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना आता है और गेट, कौन सा और गेट आता है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी, इस चीज़ को आप ये जो इसमें दे रखी है इलेक्ट्रिकल एनालॉग्स और सर्किट डायग्राम, आप सर्किट डायग्राम भी मत देखना, कुछ मत देखना, आप बस सबको ओनली आपको फर्स्ट नेम सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल देखनी है, बाकी इसके अलावा दोनों टेबल्स आपको आपके काम की नहीं है, आपके यूज की नहीं है, तो इसको आप मत देखना, ठीक है। इसके अलावा अपन को एक्स ओ आर गेट और एक्स एन ओ आर गेट भी, दोनों गेट भी अपन को नहीं देखने, इनको भी आप यहाँ से अपने इसके नीचे को अपन कुछ भी नहीं देखना, इसको आप छोड़ देना, अपने काम की सिर्फ यहाँ तक ही है, नैंड गेट तक का ही अपन को पढ़ना है और नैंड गेट तक से ही अपन क्वेश्चन आएगा, जो यहीं से आएगा ऐसे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। अपन को कितना पढ़ना है, मैं टेबल को बिल्कुल छोटी करके आपको दिखा रहा हूँ, तो अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इतना पढ़ना है बस, ये इसके अंडर जो आ रहा है ये अपन पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई चीज़ अपन पढ़ने वाले नहीं है। एक्स ओ आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और आपका नैंड गेट, इनके सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल देखनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और जो कुछ नोट में लिखवाना है वो मैं लिखवा दूंगा, वो लिख लेना आप, ठीक है। तो चलिए सभी और 30 प्लस की तैयारी आपकी होगी, 30 प्लस आप स्कोर कर सकते हो अगर डेली रेगुलर क्लास लेते हो तो। मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूँगा आपके लिए जल्द ही, बहुत जल्दी क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट आता है अपना और गेट, और गेट का जो सिंबल है वो देख सकते हो, सिंबल इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, जो और गेट होता है, चलो एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर ही देता हूँ, ठीक है अपन को ये पढ़ना है। और गेट होता है, और गेट का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है आउटपुट है, इनपुट में ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ए और बी दो टर्मिनल है और हमें एक आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट दोनों जो भी टर्मिनलों से जो भी एक्सप्रेशन जो भी संकेत डाले जाते हैं उनका योग हमें प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो हमें यहाँ जीरो देंगे तो यहाँ भी जीरो देंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। अगर मान लो हम फर्स्ट ए में जीरो दे दें और सेकेंड में एक दे दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक प्राप्त होगा। अगर मान लो फर्स्ट में हमने एक दे दिया, सेकंड में हमने जीरो दे दिया, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। इसी के साथ अगर फर्स्ट में भी एक दे दिया, सेकंड में भी एक दे दिया, तो हमें प्राप्त क्या होना चाहिए, एक प्लस एक। तो ये प्लस का सिंबल है तो प्लस मतलब दो प्राप्त होना चाहिए, लेकिन दो हम नहीं लिखते इसलिए इसको भी हमें आउटपुट के रूप में एक ही लिखना पड़ेगा। तो यानी कि इस प्रकार इसकी प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होगा, दो हम कतई नहीं लिख सकते, क्योंकि दो अपने अपने पास दो ही सिंबल है, दो ही मतलब
ट्रू टेबल में दो ही वैल्यू हैं या दो ही आंकड़े हैं जिनको हम लिख सकते हैं, वो कौन कौन से, जीरो और वन। ठीक है, इसके अलावा अपन और किसी का यूज नहीं कर सकते, एक दो का यूज नहीं कर सकते। तो दो का मतलब हमें एक ही लेना पड़ेगा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक। तो देख सकते हो आप लोग, ये ट्रूथ टेबल है, जिस सत्यता सारणी जिसे बोलते हैं। अगर ए और बी दे रखा है, ए में हमने जीरो दिया तो हमें जीरो, और बी में दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हुआ। लेकिन हम अगर ए में एक और बी में एक, सॉरी ए में जीरो बी में एक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस से क्या प्राप्त हो जाएगा, एक प्राप्त हो रहा है। इनको भी जोड़ेंगे तो एक प्राप्त हो रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर दो प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो रूल है, यानी कि जो आपका अंकीय गणित है, अंकीय परिपथ, अंकीय परिपथों में दो का यूज नहीं होता, जीरो और एक का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, दो की जगह में एक ही प्राप्त होगा। तो देख सकते हो आप, ये सत्यता सारणी है, तो आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, या तो दो गेट जोड़ दिए जाएंगे, या फिर डायरेक्ट इससे पूछ लिया जाएगा कि इसका आपको दे दिया कि ए में जीरो और एक में एक, बी में एक है, तो आपका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट आपको निर्धारित करना होगा, आउटपुट कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये किसके लिए, और के लिए। अगर मान लो एंड की, अगर एंड की बात करते हैं, एंड में अलग आएगा, उसके बारे में आगे वाले सारणी में हम देखेंगे। तो ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए, निकालने आने चाहिए, मतलब कुछ नहीं करने, इस फॉर्मूले से अपन को निकालने आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो अपन से क्वेश्चन दे दिया कि एक टर्मिनल में आउटपुट, एक टर्मिनल, अब से अपन से क्वेश्चन दे दिया कि हमें एक और गेट है, और गेट में, और गेट से आउटपुट हमें कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। तो बताइए इनपुट क्या होगा, तो इनपुट हमें फाइंड करना है। अब इनपुट फाइंड करने के लिए अपने पास एक किस किस में आ रहा है, तीन में आ रहा है, तो इनपुट, अब अपन ये दो इनपुट होने चाहिए, दोनों में से कोई सा भी इनपुट होना चाहिए। अब ऑप्शन को देखना है, अपन को ऑप्शन में कौन सा, अपने पास ऑप्शन में जीरो एक है तो जीरो एक राइट होगा, एक जीरो है तो राइट होगा, या एक एक होगा तो राइट होगा, इनमें से जो ऑप्शन में होगा वही अपना राइट होगा। लेकिन तीन कंडीशन में आउटपुट एक प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें हमें जीरो प्राप्त होगा। जब दोनों में जीरो जीरो इनपुट डाला जाएगा तो हमें जीरो आउटपुट ही प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एंड गेट की ओर। तो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट ऐसा होता है, एंड गेट का सिंबल ये होता है, उसमें यहाँ से थोड़ा सा ये इसे घुसा हुआ रहता है, लेकिन इसमें नहीं घुसा रहता। तो ये एंड गेट का सिंबल है, और इसमें जो बूले व्यंजक है, इसमें क्या होता है, दोनों जो टर्मिनलों से जो इनपुट जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि ए डॉट बी, बी डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, यानी कि अगर यहाँ से अपन जीरो भेजेंगे तो यहाँ से दोनों जगह से अपन जीरो भेजेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। लेकिन हम एक से जीरो और एक से जीरो, एक से तो जीरो, सॉरी फर्स्ट से जीरो, ए से तो जीरो भेज दिया और बी से एक भेजा, तो अभी हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो, क्योंकि जीरो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्राप्त होता है। अगर फर्स्ट से एक, सेकंड से जीरो भेजते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो, क्योंकि जीरो से एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो, हमेशा जीरो प्राप्त होता है। लेकिन एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा। तो एक कंडीशन इसमें ऐसी बनती है जिसमें हमें कुछ ना कुछ आउटपुट प्राप्त होता है, नहीं तो हमेशा हमें जीरो ही आउटपुट प्राप्त होगा। तो देख सकते हो आप, ये सत्यता टेबल है, जीरो से जीरो दिया तो जीरो प्राप्त हुआ, जीरो एक दिया तो जीरो, और एक जीरो दिया तब भी जीरो, और एक एक दिया तब जाके हमें क्या प्राप्त हुआ, एक एक प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो करवाएंगे। नॉट और इन्वर्टर, जो नॉट होता है नॉट को बोला जाता है, इन्वर्टर भी बोला जाता है। जो नॉट गेट होता है नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोला जाता है। इन्वर्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो इनपुट दिया जाता है उसका हमेशा उल्टा हमें प्राप्त होगा। जैसे हम एक देंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा, और हम जीरो देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। तो ये नॉट गेट या इन्वर्टर गेट भी इनको बोला जाता है। यहाँ अगर हम जीरो देंगे तो हमें इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में एक प्राप्त होगा, और यहाँ एक देंगे तो हमें आउटपुट के रूप में जीरो प्राप्त होगा। ये बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब है कि हमेशा उल्टा प्राप्त होना, जो भी यहाँ दे रखा है ये जितना दिया जाएगा उसका उल्टा प्राप्त होगा। यानी कि मान लो अगर ए बराबर हमें एक दे रखा है तो वाई बराबर हमेशा जीरो प्राप्त होगा। देख सकते हो ए बराबर जीरो होगा तो वाई एक होगा, और एक एक ए बराबर एक होगा तो हमें वाई क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा। तो ये बस इसमें उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, आपने लाइक नहीं किया हो, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक हमारे और आपका शेयर हमें मोटिवेशन देता है। लक्ष्य आपका, प्रयास हमारा, यही हमारा बात है, और हम आपके लक्ष्य को अलग से आपको भटकने नहीं देंगे। बात करते हैं और गेट की, तो और गेट कौन सा होता है, नॉर गेट कौन सा होता है, सॉरी नॉर गेट की बात करते हैं, तो मैं सिंबल आपको पहले बता चुका हूँ ये वाला, लेकिन आप एक बार देख लो इसमें ए बी, और ये क्या है, किसका सिंबल है, नॉट का सिंबल है, ये और का सिंबल है, और ये इनपुट आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो नॉर गेट जो होता है और नॉट से मिलकर बना होता है। इसमें जो क्या होगा, आप सभी को पता है, जो नॉर गेट होता है और गेट होता है, और गेट में क्या होते हैं, बूले व्यंजक होता है ए प्लस बी, यानी कि जुड़ते हैं उसमें और गेट में। लेकिन यहाँ इसके साथ क्यों जुड़ गया, नॉट जुड़ गया। नॉट का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट करना, यानी कि जो भी प्राप्त होता है उसका भी उल्टा कर दो। तो इसका बार लगाने का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे कि मान लो हमें और गेट में इनपुट एक दिया और आउटपुट क्या दिया,
सॉरी इनपुट एक एक दिया दोनों में, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ हमें प्राप्त होना चाहिए नॉर गेट के अकॉर्डिंग तो एक प्राप्त होना चाहिए, लेकिन नॉर गेट के अकॉर्डिंग यानी कि एक 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 प्राप्त होगा तो एक का भी फिर क्या बार बन जाएगा, बार बनने के बाद इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट प्राप्त होगा हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक एक में जीरो प्राप्त होगा। देख सकते हो आप सत्यता सारणी में, अगर हम दोनों में एक एक देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सत्यता सारणी भी आप ध्यान रखना, अगर हम जीरो इनपुट देते हैं, जीरो जीरो इनपुट देते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है, लेकिन हम जब जीरो और एक देते तब भी जीरो, एक जीरो देते तब भी जीरो, और एक एक देते तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो ही आउटपुट हमेशा प्राप्त होता है। तो नॉर गेट किससे मिलकर बना होता है, नॉर गेट एक सार्वत्रिक गेट है, जबकि जो ऊपर के तीन अपन ने पढ़े और नैंड और नॉट, ये सभी मूलभूत गेट हैं, जबकि नॉर गेट एक सार्वत्रिक गेट है। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं नैंड गेट की, तो जो नैंड गेट होता है वो एंड और नॉट से मिलकर बना होता है। नैंड का डायग्राम आप देख सकते हो, ये नैंड का डायग्राम है, और इसमें कौन सा यूज होना, इसमें बोलियन व्यंजक क्या होता है आपको पता है, एंड का जो बोलियन व्यंजक होता है वो किस प्रकार होता है, वाई बराबर ए डॉट बी, यानी कि गुणा का सिंबल होता है, लेकिन इसमें ये नोट का चिन्ह है, नोट का चिन्ह से ये किसमें चेंज हो जाएगा, ए डॉट बी बार ऊपर बार बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हम इसमें जीरो देते हैं, जीरो इनपुट देते हैं, दोनों टर्मिनल से जीरो इनपुट देते हैं, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, इस जगह की बात कर रहा हूँ, नॉट वाले सिंबल से पहले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जीरो ही प्राप्त होगा। लेकिन जो ये नॉट वाला सिंबल लगने के बाद इसका क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट यानी कि इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा होने का मतलब एक हमें वाई पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, जीरो जीरो देंगे तो एक प्राप्त होगा, जब जीरो और एक देंगे तब भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक, और जब एक और जीरो दे रहे तब भी एक, लेकिन एक एक दे रहे तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जीरो प्राप्त हो रहा है। देख सकते हो यहाँ एक देंगे, यहाँ भी एक देंगे, तो नोट वाले सिंबल से पहले हमें एक प्राप्त होगा, एक का इन्वर्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो बस आपको सीधा आंसर हो जाएगा जीरो। तो इस सत्यता सारणी और बोलियन व्यंजक और डायग्राम और पता होना चाहिए कौन सा गेट क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आज की क्लास में से एक क्वेश्चन आपके लिए 100% आने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी एक कल की क्लास में एक चीज़ छूट गई थी, जो आप मैंने कल आपको लिखाना भूल गया था, उस चीज़ को आप लिख लेना। आईसी जो होती है, आईसी क्या होती है, तो आईसी इंटीग्रेटेड फुल फॉर्म होती है इसकी, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इस आईसी को चिप या माइक्रोचिप भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना, कल क्लास में छूट गई थी, इसको नोट लगा के आप लिख लेना, और आज के जो भूले व्यंजक वगैरह लॉजिक गेट जो पढ़ा है, समझ में आए या नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं आते हो तो मैं आपको एक और क्लास ले लूँगा, फिर जब आपको बताओगे क्या चीज़ समझ में नहीं आई उसके अकॉर्डिंग ही लूँगा मैं आपको हर चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, जिसको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर रही हो, टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये माइक्रोचिप वगैरह के बारे में हो गया, आईसी वगैरह के बारे में, और जो ये जो आईसी होती है क्या होती है, आईसी एक अर्धचालक पटलिका है। ठीक है, जो बहुत ही छोटी होती है, जो आपकी आईसी होती है, आईसी क्या होती है, एक अर्धचालक पटलिका होती है, जो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि आईसी को मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ इसलिए करवा रहा हूँ आपका। बहुत छोटी होती है, लगभग कितनी छोटी होती है, इसकी जो साइज होती है 1 mm x 1 mm से भी छोटी, या तो इतनी होगी या इससे भी, या इससे भी छोटी। हर चीज़ नोट कर लेना, पहले आपको नोट करनी है कि जो आईसी होती है, पहले आपको क्या नोट करना है, पहले आपको नोट करना है ये चीज़, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी को क्या फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी को चिप या माइक्रोचिप कहते हैं, क्या कहते हैं, चिप या माइक्रोचिप कहते हैं। एक अर्धचालक पटलिका है और बहुत छोटी होती है, क्या होती है, बहुत छोटी होती है, लगभग कितनी होती है, 1.1 mm x 1 mm या इससे भी छोटी होती है कौन, आईसी। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, अब चलो, अब लास्ट में अपन कुछ लिख लेते हैं,
कुछ और जो ये तो लिखवा ही लिया अपन को, कुछ लास्ट का कल थोड़ा सा बचाया था जो अपन पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा सा और बचा था, जो इंपॉर्टेंट लास्ट का टॉपिक थे उसमें हमने गेट वाले छोड़ दिए थे। कल अपन पढ़ेंगे क्या चीज़, विद्युत चुंबकीय तरंगे संचार और समकालीन भौतिकी। इसको इस चैप्टर को अपन कल ही कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कल आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में बात करते हैं विशिष्ट तारकीय, जो विशिष्ट तारकीय संक्रिया पर आधारित युक्तियों तर्क द्वार कहलाती है, जो आपकी लॉजिक संक्रियताओं पर आधारित जो भी युक्तियां होती है वो क्या कहलाती है, लॉजिक गेट कहलाती है। तो ये भी ध्यान रख लेना, या तो वो चीज़ लिख लेना या ये लिख लेना डिजिटल सर्किट होते हैं उसे अंकीय परिपथ होते हैं, या विशिष्ट लॉजिकल संक्रियताओं पर आधारित यानी कि तारकीय संक्रियताओं पर आधारित युक्तियाँ तर्क द्वार यानी कि लॉजिक गेट कहलाती है। ये युक्तियाँ एक्स और द्वार, एंड द्वार, नोट द्वार, एक्स और द्वार तथा नेंड और नोर द्वार 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 नेंड द्वार तथा नोर द्वार सार्वत्रिक द्वार कहलाते हैं। देख सकते हो मैंने बताया दिया था ये दोनों क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक द्वार कहलाते हैं, क्योंकि नेंड द्वार तथा नोर द्वार विभिन्न संयोजन किसी अन्य तर्क द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्य तर्क द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, तर्क द्वार प्राप्त किए जा सकते हैं, इनके जो योजन से संयोजन से क्या प्राप्त किए जा सकते हैं, बहुत सारे तर्क गेट, बहुत सारे गेट हमें प्राप्त कर सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक द्वार भी कहा जाता है। एक्स ओर भी अपन देख लेते हैं, चलो एक्स ओर अपने लिए दे रखा है तो एक्स ओर भी अपन देख लेते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स ओर का एक्स नो एन ओर को मत देखना आप, ओनली इस इसको देख लो, एक्स ओर को ही देख लो ताकि आपको जो एक्स ओर शब्द का भी कोई डिफरेंस ना आए, ठीक है, इसको मत देखना, एक्स एन ओर को एक्स ओर देख लो, ये एक्सक्लूसिव ओर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ ये बार बन जाता है, जो ओर रहेगा ओर गेट रहेगा, ये ओर गेट रहता है, ओर गेट में क्या हो जाता है, बस यहाँ एक ये एक्सक्लूसिव लग जाता है, इसके अलावा जो इसमें बोले व्यंजक बनता है वो इस प्रकार प्राप्त होगा, ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो प्राप्त होगा, जीरो एक से एक, बस मतलब इसमें जो अगर सेम आने पर जीरो प्राप्त नहीं होगा, ये देख सकते हो, ये सत्यता सारणी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस सत्यता सारणी याद कर लेना और बोले व्यंजक आप ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये पाँच गेट आपको सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है इनमें, ठीक है। तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना, उनको बता देना कि रेगुलर क्लास होती है, अगर वो क्लास नहीं लेते हो तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आज की क्लास एक नंबर की क्लास आपके लिए 100% है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए अब अपन उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने करवाने के लिए बोला था, वो क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपने सामने एक क्वेश्चन है, निर्गत एक प्राप्त करने के लिए निवेशी एबीसी होना चाहिए, तो ए बी सी हमें ज्ञात करना है, तो एबीसी क्या होना चाहिए, तो इससे पहले कि वाई हमारे लिए उसने दे रखा है एक और एबीसी हमें ज्ञात करना है, तो एबीसी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले अपन पहचानते हैं कौन सा गेट है, तो ये आपका गेट होगा, कौन सा वाला, एंड गेट है, ये आपको उनको डायग्राम देख के पता लग गया कौन सा एंड है और ये कौन सा है और गेट है, ठीक है। तो अब एक कब प्राप्त होता है एंड गेट में, एंड गेट में एक कब प्राप्त होगा, अपन को सत्यता सारणी याद करनी चाहिए, सत्यता सारणी में इसका जो मूल्य व्यंजक क्या होता था, y a डॉट b, ठीक है, ये किसका होता था, एंड का होता था। अगर अपन a b को जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं तो हमें y क्या प्राप्त होगा, y भी जीरो प्राप्त होगा। यदि हम a b को क्या लेते हैं, a b को हम एक और जीरो लेते हैं तभी यह क्या प्राप्त होगा, जीरो। जब हम a b को a को एक और b को जीरो लेंगे तभी हमें जीरो प्राप्त होगा, तो a b को हम एक एक लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने पास क्या दे रखा है, इसने y का मान यहाँ खुद नहीं दे रखा है, तो y का कितना दे रखा है, एक दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक होगा तो ये भी क्या होगा, एक होगा और ये भी क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो c का अपने पास c की वैल्यू निकल कर आ गई, तो अपन अगर यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालना चाहे तो अपन यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं कि किस में तीन, जो तीन वर्ड दे रखे हैं इसमें 101 दे रखा है, इसमें 100 दे रखा है, इसमें 110 और इसमें 0010, तो अपन यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आगे कराऊंगा यहाँ से आंसर कैसे निकालोगे, आप पूरा नहीं करो तो फिर भी यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, जिसमें पीछे एक आ रहा होगा सी वाले में, यानी कि ये आगे का ए बी सी, तो सी जिसमें एक आ रहा होगा वही अपना आंसर होगा, तो इन तीनों में एक नहीं आ रहा, देख सकते हो इसी में आंसर आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपन इसको आगे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे तुक्के कहीं हर जगह काम नहीं करते, अगर मान लो ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो फिर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ एक आ गया, अब यहाँ एक लाने के लिए अपने पास तीन सक्रियता बनती है, तीन सक्रियता बनती है, अगर जीरो और जीरो और जीरो लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे जीरो प्राप्त होगा, तो हमें जीरो और जीरो तो लेना नहीं है बिल्कुल भी, एक मिनट, अपन ने क्या तक किया था, यहाँ तक कर लिया था इसमें, इसका एक मिनट कलर चेंज हो गया यार,
यहाँ एक निकाल लिया था तो इसमें जो मैंने करके दिखाया था यहाँ भी एक आ गया था, यहाँ भी एक आ गया था। अब यहाँ हमें एक लाना है, तो अगर जीरो लाते हैं इसमें, जीरो लाते हैं तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो लाएंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा, तो एक नहीं आ रहा। अगर यहाँ एक ले आते हैं और यहाँ जीरो लाते हैं तो हमें एक मिल रहा है, बट फिर भी अपना ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा, यानी कि 101 ऐसा ऑप्शन अपने पास बन रहा है। तो ये बन गया 1010 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, तो यही अपना आंसर होगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन भी तैयार चेक करना आना चाहिए, कैसे ऑप्शन से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, जो समझ में नहीं आया उसके लिए कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको नेक्स्ट क्लास में आपको कंसिडर करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ। अगले क्लास में जरूर लेना, कल क्लास 2 नंबर की क्लास आपके लिए रहेगी, 2 मार्क्स आपको कल वाली क्लास अकेली 2 मार्क्स आपको दिलाने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स कल क्लास जरूर अटेंड करना। धन्यवाद।